हार्दिक पांड्या और किरण रावल ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण में महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से उनकी चौतरफा आलोचना हो रही थी। दोनों को अनुशासन के आरोप में बीसीसीआई ने प्रतिबंधित किया हुआ है। दोनों को भी सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ आलोचना झेलनी पड़ी। ऐसे में अब शो के होस्ट करण जौहर इस पूरे मामले पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर करण जौहर ने एक चैनल से बातचीत के दौरान कहा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे कॉफी में जिम्मेदार फील कर रहा हूँ, क्योंकि यह मेरा शो है, मेरा प्लेटफॉर्म था। मैंने उन्हें बतौर मेहमान अपने शो पर बुलाया था, तो शो पर उनके कमेंट्स की जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैं इस विवाद के बारे में कई रात तक सोया नहीं और यह सोचता रहा कि आखिर कैसे डैमेज का कंट्रोल करूँ, मुझे कौन सुनेगा। यह बस एक ऐसा चला गया कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। यह मेरे शो पर हुआ इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए के बाद पांड्या ने सफाई में कहा था, शो में नेचर में खो गया था। उन्हें ट्वीट कर साफ किया था कि उनका इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। TMS 24 की रिपोर्ट।